ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड किससे बना है? ब्रह्मांड ही सब कुछ है। इसमें सभी स्थान और अंतरिक्ष में मौजूद सभी पदार्थ और ऊर्जा शामिल हैं। इसमें समय भी शामिल है और निश्चित रूप से इसमें आप भी शामिल हैं। तो आइए जानते हैं ब्रह्मांड के अनसुनी जानकारी। ब्रह्मांड का आकार अंडाकार है। ब्रह्मांड से पहले कुछ भी नहीं था। कहा जाता है कि करीब 13 अरब साल पहले ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मांड में अचानक एक धमाका हुआ और सृष्टि की रचना हुई। ब्रह्मांड क्या है? हमारे चारों ओर का विशाल खाली स्थान जिसमें तारे, सौर्यमंडल, आकाशगंगा आदि शामिल हैं, ब्रह्मांड कहलाते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा ब्रह्मांड का हिस्सा है, जैसा कि अन्य ग्रह और उनके दर्जनों चंद्रमा हैं। क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के साथ ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आकाशगंगा में सैकड़ों अरबों सितारों में से एक सूर्य है और उनमें से अधिकतर सितारों के अपने ग्रह हैं, जिन्हें एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। सभी आकाशगंगाओं के सभी तारे और अन्य सभी चीजें जिन्हें खगोलविद भी नहीं देख सकते हैं, वे सभी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। यह बस सब कुछ है। ब्रह्मांड किससे बना है? ब्रह्मांड में सारी ऊर्जा और द्रव पदार्थ है। ब्रह्मांड में देखने योग्य अधिकांश पदार्थ हाइड्रोजन के व्यक्तिगत परमाणुओं का रूप ले लेता है, जो कि सबसे सरल परमाणु तत्व है, जो केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से बना होता है। ब्रह्मांड के बारे में सबसे विश्वसनीय थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक शून्य के आकार का ब्रह्मांड बहुत ही गर्म था। इसकी वजह से इसमें विस्फोट हुआ और वो असंख्य कणों में फैल गया। तब से लेकर अब तक वो लगातार फैल ही रहा है। ब्रह्मांड के इन टुकड़ों के बाद से अंतरिक्ष और आकाश गंगा अस्तित्व में आए। इस रचना में ही हाइड्रोजन, हीलियम जैसे अणुओं का निर्माण हुआ। जैसे जैसे ब्रह्मांड का आकार बढ़ता गया, वैसे वैसे तापमान और घनत्व कम हुआ, जिसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल और अन्य बलों का उत्सर्जन हुआ। इसके बाद सौर मंडल बना। ब्रह्मांड का विस्तार लगातार होता रहता है, जिससे तारों और ग्रहों के बनने की प्रक्रिया भी लगातार चलती रहती है। सितारे, तारे और उपग्रह सभी एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ब्रह्मांड कई गुना जल, बादल, अग्नि, वायु, आकाश और अंधकार से घिरा हुआ है। ब्रह्मांड में अब तक 19 अरब आकाश गंगाएं होने का अनुमान है। सभी आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हटती जा रही हैं। 19 अरब आकाश गंगाओं में से हमारी आकाश गंगा है मिल्की वे आकाश गंगा। मिल्की वे आकाश गंगा में हमारी पृथ्वी और सूर्य है। मिल्की वे में लगभग 100 अरब तारे हैं। हर तारे की चमक, दूरी और गति अलग अलग है। आकाश गंगा ब्रह्मांड की परिक्रमा करती रहती है। ऑनरियन नेबुला हमारी आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। आकाश गंगा का व्यास 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। तारों के बीच की दूरियां प्रकाश वर्ष में मापी जाती हैं। आकाश गंगा का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर है। सूर्य इस ब्रह्मांड का चक्कर लगभग 26,000 वर्षों में पूरा करता है, जबकि अपनी धुरी पर सूर्य 1 महीने में एक चक्कर लगाता है। एक सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड द्वंद्वात्मक है, जैसे जीवन की द्वंद्वात्मक प्रतिक्रिया मृत्यु है। प्रकाश का विपरीत अंधेरा है। इसी प्रकार ब्रह्मांड का द्वंद्व रूप होगा। जहां इस ब्रह्मांड की प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती होगी, वहां चीज उल्टी होगा। भौतिकी के प्रत्येक नियम विपरीत तरीके से काम कर रहे होंगे। इसी सिद्धांत के आधार पर वैज्ञानिक ब्लैक होल के साथ व्हाइट होल की बात करने लगे हैं। ब्रह्मांड से जुड़े ऐसे ही कुछ रहस्य है। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है, तो हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।